हेलो फ्रेंड्स, आपका हरदम मंगलमय हो। और यहाँ पे मैं ना प्लांट्स को पानी दे रही थी, और यहाँ पे आदि को नहलाने के बाद मैंने अपना ब्लॉग वीडियो बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि पहले पहले वाला वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा मैं यहाँ पे अपना शुरू कर देती हूँ। तो बस इसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। आदि को नहला दिया है, चाय पिला दी है, बिस्तर के अंदर बैठा दिया अच्छे से। अब मैं यहाँ पे तो मैं चेक करती हूँ शकरकंदी हो गई होगी तो ठीक है, नहीं तो थोड़ी देर और रखूँगी। सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। मैंने ना कुछ इस तरह से एडजस्ट किया इसे, और ये हो भी गई है। और मैं इसके तो मैंने ये है शक्करकंदी जो उबाल के मैंने कद्दूकस की हुई है, जो दिख रहा है ना आपको, ये मैंने अदरक डाला हुआ है। प्लस इसमें मैं डालूंगी ब्रेड क्रम्स, ये ब्रेड क्रम्स हैं। ब्रेड को मैंने थोड़ा इसको मिक्सी में करिए। और ये है धनिया, और ये बताइए ये क्या, ये है मेथी। जी हाँ, तो मैं इसमें डालूंगी मेथी डालूंगी, है ना। हो गई ना पौष्टिक शकरकंदी, मेथी, धनिया, और ये है ब्रेड क्रम्स का गरम मसाला, जीरा मसाला, चाट मसाला और अजवाइन तो ज़रूरी। और इसमें घी है कि नहीं है, तेल या घी जिसमें भी आप करें, और सिर्फ तो उसमें करेंगे हम किसमें नॉन स्टिक में करूँगी मैं इसे, है ना। तो तेल भी कम लगेगा और पौष्टिक भी बन जाएगी, ठीक है। प्लस धनिया की चटनी से हम बनाएंगे धनिया की चटनी, ग्रीन ग्रीन चटनी। तो इसमें ये देखिए धनिया है, उधर मैंने प्याज है, इधर लहसुन छिलके रखा हुआ है, अदरक भी रखा हुआ है, हरी मिर्ची भी रखी हुई है कि नहीं, और नींबू वो तो लास्ट में काम आएगा। प्लस उसमें थोड़ा सा मैं ये ऐड करूँगी मैं मूँगफली, जो मैंने तवे में सेकी हुई है ना, इनके छिकल निकाल के, तो इनको मैं मिक्सी में करूँगी। और मूँगफली से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तरु को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो चलो, और यहाँ पे मैंने लिया है ये कद्दूकस किया हुआ शकरकंद, और ये मिला रही हूँ मैं मेथी, और ये हो गया आपका धनिया, और इसे मैं थोड़ा सा मैश करूँगी। इसके बाद मैं मिलाऊँगी इसमें आपका जीरा, चाट मसाला, और जीरा मसाला, चाट मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला भी। अब इसको स्पून से भी कर सकते हैं, वैसे मैं हाथ से इसका ना डो अच्छे से तैयार हो जाता है, हाथ से अच्छी तरह से मैश हो जाता है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा अजवाइन, अजवाइन बहुत ज़रूरी है। अगर आप डाल रही हूँ हल्दी, नमक, थोड़ा सा मैं इसमें ग्रीन रेड चिल्ली डाल रही हूँ, बिकॉज थोड़ा सा मैंने ग्रीन चिल्ली भी डाली है। और ये देखिए है ना दो तैयार, और यहाँ पे कर रहे हैं हम चटनी बनाने की तैयारी। तो मैंने ले ली है मिक्सी, मिक्सी में डाला है मैंने धनिया, प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्च और थोड़ा सा पानी। इसके बाद डालूंगी मैं भुनी हुई छिलका निकाल के डाली हुई मूँगफली, और ये देखिए क्या सुंदर चटनी बनी है। और ये डाला हमने नींबू, खट्टा खट्टा नींबू, और ये मैंने तड़का लगा दिया। आप चाहे डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ तैयार की हुई डोकी टिक्की के सेब की, आप किसी भी सेब की बना सकते हैं। और ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है कि नहीं। और ये देखिए गर्मा गर्म, और पता बहुत हेल्दी है देखिए, और बिल्कुल ऑयल तो बिल्कुल भी नहीं है, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। मौसमी सब्जियाँ हेल्दी विदाउट ऑयल है। और ये देखिए मैंने आदि को मना किया था कि ठंड में मत आना, तो देखो चुपके चुपके से देख रहा है कि मम्मी कहाँ है, मैं जाऊँ कि ना जाऊँ, है कि नहीं है बस फिर आज का दिन भी समाप्त हो गया, मैंने जो डिनर करवाया, और बस गुड नाइट। और आदि उठ चुका है, और मैं हमेशा ना आपको किचन में ही दिखूंगी किचन में ही, और चाय में बना रही हूँ। आदि और तरु को स्कूल छोड़ने के बाद मेरे घर की क्लीनिंग शुरू विद एलेक्सा या म्यूजिक। सच में म्यूजिक के साथ ना काम करने में बहुत इजी हो जाता है, थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाता है। अब प्लस यहाँ पे मैं सुन रही थी देशभक्ति गीत, और मेरी सफाई भी चल रही थी। मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है, जैसे मैंने कहा था मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है, तो अगर म्यूजिक चलता रहे तो आई फील सो हैप्पी, सो रिलैक्स, और काम भी जल्दी हो जाता है। तो म्यूजिक सुनिए, अच्छा म्यूजिक सुनिए, और खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। और अब तैयारी है लंच बनाने की। तो मैं आज लंच में बना रही हूँ मेथी, आलू की सब्ज़ी, और मैंने यहाँ पे लिया है आलू, लहसुन, टमाटर, प्याज, और ये कटी हुई, और यहाँ पे हो रहा है तेल गरम।
तो बस जैसे तेल गर्म होगा मैं इसमें डालूंगी जख्या। मैंने कहा था ना आपको, जख्या होता है हमारे गढ़वाल में, हमें जख्या बोलते हैं, बहुत सुंदर टेस्ट होता है। साथ में मैं डाल रही हूँ हींग, ये डाला मैंने प्याज, प्याज को थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे। उसके बाद मैं डालूंगी इसमें लहसुन, और यहाँ पे ना मैं आलू को थोड़ा फॉक से छेद करती ताकि जो मसाला बने वो थोड़ा ऑयल पोटैटो या आलू के अंदर भी चला जाए, थोड़ा हेल्थ टेस्ट आएगा थोड़ा। फिर ये मिलाया मैंने टमाटर, और ये डाल दूँ मैंने नमक, धनिया, हल्दी, और मिर्च तो मैंने छोटी सी ग्रीन मिर्च डाली थी। प्लस मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, और ये देखिए ये तैयार है आपका मसाला। ऐड कर चुकी हूँ इसमें आलू, और ये देखिए है ना। अब इसमें डालेंगे हम हेल्थी हेल्थी मेथी, और फिर थोड़ा सा हम इसे पकने देंगे ताकि आलू थोड़ा सा इसके साथ मिक्स हो जाए। और प्लस ये देखिए, और ये है फाइनल मेथी, लग रही है ना टेस्टी, तो आ जाइए, स्वागत है आपका, खाइए। बस वही आधी को लाने के बाद बर्तन बर्तन, और ये देखिए आधी खेल रहा है बर्तन, मतलब लाया इसे सुलाया, फिर आज का दिन भी समाप्त। तो स्टे ट्यून विद अपना नेगी, एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय माता दी।